वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर था, ये हमारा जो चैप्टर है वो क्लास ट्वेल्थ का और सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखा था, जिसके अंदर हमने लाइफ स्पैन देखी थी, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, पर्पस क्या है उसका, मतलब सारे मेथड्स, सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स सब कुछ डिस्कशन करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिनोमिना, किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट इन द सेंस एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमें देखने को मिल रहा है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी स्टडी की जाती है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट में, तो वो एक बॉटनी की ब्रांच है या बायो की एक ब्रांच होती है एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है, अब ये जो है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, और इनके ऊपर एक उनका जो फोटो देके और उनका कंप्लीट एक छोटी सी इंट्रोडक्शन पोर्शन भी मेंशन किया हुआ है। पंचानन महेश्वरी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं नीट में भी, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, पंचानन महेश्वरी जो है इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से रहा एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा, उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि उसी के अंदर इन्होंने कंप्लीट सेक्सुअल मेथड या सेक्सुअल इवेंट्स दिखाए थे फ्लावरिंग प्लांट के। उस बुक का नाम भी पूछा जाता है, तो उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये है इस कंप्लीट बुक का नाम। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है पंचानन महेश्वरी से, देखो पंचानन महेश्वरी जो है वो जयपुर राजस्थान के ही रहने वाले थे, और जिनके अंदर इनका अगर बर्थ की बात करें तो इनका जो बर्थ है नवंबर 1904 में हुआ था जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो ये थे, ये इनको मतलब बहुत ही काफ़ी सारे अवार्ड्स तो मिले ही मिले हैं, प्लस इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के प्रस्पेक्टिव में काफ़ी सारा काम किया है। ठीक है, और टैक्सोनॉमी में जो एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की अपनी अलग ही पहचान दी है इन्होंने, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर इन्होंने अलग से ही ब्रांच बनाई, जहाँ पर स्पेसिफिक एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चरिंग की स्टडी की जाती है। तो इनके जो इन्होंने जो बॉटनी ऑफ डिपार्टमेंट जो न्यू दिल्ली में बनाया था, तो बेसिकली इनके जो स्टडी के टॉपिक थे वो दो मेन टॉपिक थे। एक तो पंचानन महेश्वरी जी हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजी पे तो काम कर ही रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे टिश्यू कल्चरिंग वर्ड भी आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांच से रिलेटेड है, तो ये दोनों ब्रांचेस की जो स्टडी है वो कहाँ हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और कहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो इन्होंने किस किस पे काम किया है, इन्होंने जो आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम के साथ साथ इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम की स्कूल एजुकेशन के ऊपर। देखो, जो फर्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक थी बायोलॉजी की, जो कि एनसीईआरटी में पब्लिश की गई थी, वो किसके थ्रू लिखी हुई थी, पंचानन महेश्वरी के थ्रू लिखी गई थी। ठीक है, तो इन्होंने स्कूल एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जो वेरी फर्स्ट
टेक्स्ट बुक जो थी बॉटनी की फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी इन 1964 के अंदर इनकी बुक जो थी एनसीईआरटी के अंदर पब्लिकेशन में हुई। तो एनसीईआरटी का जो भी डेटा रहता है बॉटनी के प्रस्पेक्टिव वो पंचानन महेश्वरी के थ्रू ही रहता है। तो पंचानन महेश्वरी जो नाम है वो आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखो, क्योंकि उन्हीं के इस बुक के अकॉर्डिंग ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो आगे हमारे पास हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो एक और ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो होती है फ्लोरिकल्चर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि फ्लोरिकल्चर क्या है। देखो, फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें तो फ्लोरिकल्चर एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम क्या करते हैं साइंस, जिसको हम साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग किसकी कर रहे हैं, ऑफ फ्लावर्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लावर्स की हमें क्या करना है, उसका कल्टिवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। क्लियर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी स्टडी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे, क्योंकि हम कौन से प्लांट को लेके कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और एंजियोस्पर्म प्लांट हमने जो पंचानन महेश्वरी ने भी लिया तो वो कौन सा था, वो था कैप्सेला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो दिखने में कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये जो कैप्सेला है वो कुछ इस तरीके से दिखा देता है, जो प्लांट कैप्सेला। ठीक है, ये जो थी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो हमें किस में मिल रहे हैं, कैप्सेला के अंदर मिल रहे हैं। और इसके अंदर इजीली जितने भी एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलते हैं, इसको एंजियोस्पर्म। जो कैप्सेला प्लांट है वो एक एनुअल प्लांट है, पहले क्वेश्चन तो इसके ऊपर ये भी रहता है कि कैसा प्लांट है, टिपिकल एंजियोस्पर्म है, एनुअल प्लांट है। दूसरा, जो ये ग्रो करता है एज ए वीड ग्रो करता है, ठीक है, एज ए वीड। ठीक है, और कब ग्रो करता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीड की तरह है, एनुअल प्लांट है, टिपिकल एंजियोस्पर्म है और विंटर सीजन के अंदर ये क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। सो और अगर हम क्वेश्चन पूछें कि कैप्सेला से क्वेश्चन जो होता है तो आता है कि कैप्सेला का जो मेन प्लांट बॉडी है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है। तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चों वो रहती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पोरोफाइट। That's a very important. Sporophyte. Sporophyte का मतलब main plant body कैसी रहती है, diploid है, यानी कि 2N है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये question बहुत important question है, क्योंकि angiospermic plant है तो main जो body रहेगी वो क्या रहेगी, sporophyte रहेगी, यानी कि diploid रहती है, 2N रहती है। ठीक है, तो इनका जो sporophyte है वो differentiated रहता है, यानी कि इनकी जो main body है वो differentiated रहती है, कितने part के अंदर, तो main body जो है differentiated रहती है, इनकी sporophyte जो होता है वो differentiated रहता है तीन part के अंदर, कौन कौन से, root में, ठीक है, दूसरा स्टैम, और तीसरा हमें क्या देखने को मिलता है, लीव्स। ठीक है, तो इनका जो स्पोरोफाइट्स है वो तीन पार्ट के अंदर क्या रहता है, डिफरेंशिएटेड रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि जो कैप्सेला है, इस कैप्सेला जो है वो किस तरह का प्लांट है। तो कैप्सेला एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है, हेट्रोस्पोरस प्लांट। और ये सारे पॉइंट जो है ना इलेवेंथ क्लास के अंदर ये हम लोग स्टडी करते हैं, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस जो एक जैसे ही स्पोर प्रोड्यूस करने वाले हैं, और हेट्रोस्पोरस दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर हमारे पास कौन कौन से रहते हैं, यानी कि टू टाइप ऑफ स्पोर्स ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से दो टाइप होंगे, कैप्सेला के अंदर हमें देखने को मिलते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में दो तरह के, दो कैटेगरी के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। एक स्पोर रहता है मेल स्पोर, ठीक है, और एक जो रहता है वो स्पोर कौन सा होता है, वो होता है फीमेल स्पोर।
ठीक है। अब जो मेल स्पोर है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोर, ठीक है। और जबकि फीमेल स्पोर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेगा स्पोर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मेल और फीमेल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, दो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, हमारा बेसिक स्टार्ट हो रखा है। देखो, पहला चीज तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स थे वो सब किसने स्टडी किए थे? पंचानन महेश्वरी ने किए थे। कब पैदा हुए थे, इनकी इनकी बर्थ डेट पूछे जाए तो 9 नवंबर 1904 में जयपुर राजस्थान के अंदर ये जो इनका बर्थ था। बहुत इम्पॉर्टेंट इनका रोल रहा है बॉटनी फील्ड के अंदर। इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। इनकी बुक भी है जो कि एम्ब्रियोलॉजी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स में बताती है। टिश्यू कल्चरिंग और बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जो है वो इनका कोर टॉपिक थे, ठीक है। उसके बाद में एक और ब्रांच आती है, वो होती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर पूछ लिया जाता है जिसके अंदर कल्टीवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं फ्लावर्स की, ठीक है। कौन सा यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमिना कंप्लीट करते हैं? तो कैप्सेला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देन मैं आपको इतने पॉइंट्स बता रही हूँ कैप्सेला के। तो क्या क्या पॉइंट्स है? कैप्सेला जो है वो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक, इसके इसके अंदर इजिली जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है वो इजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ये प्लांट कैसा है? एनुअल प्लांट है। ग्रो करता है किसकी तरह? एज अ वीड। कब लगता है? विंटर में लगता है। दिखने में कुछ ये इस तरीके से रहता है, जिसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर फ्लावर रहते हैं, ठीक है। कैसा प्लांट है? हेट्रोस्पोर प्लांट है। और मेन बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं? 3, रूट, स्टेम और लीफ। फ्लावर फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इतने वीड है तो वीड के अंदर फ्रूट्स के नाम पे ज़्यादा हमें कुछ चीज़ें खाने लायक दिखती नहीं है, तो मेनली तो फ्लावर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो हेट्रोस्पोर्स प्लांट है, इसके अंदर एक कहता है मेल और एक स्पोर, कौन सा रहता है? फीमेल, जिसको मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट सिंप्लीफाई, ठीक है। अब बात आ रही है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो फ्लावरिंग प्लांट नाम आते ही यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्या आ रहा है? फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, फ्लावर जो है हम मानते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एज ए ऑर्नामेंटल है, सोशल है, रिलीजियस या कल्चरल इसकी वैल्यूज रहती है। बिल्कुल सही चीज़ है ये, इसका एक अपना बहुत सुंदर होता है, तो ऑर्नामेंटल भी है, सोशल, रिलीजियस या कल्चरल वैल्यू रहती है, सब जगह इसकी वैल्यू रहती है फ्लावर की। लेकिन अगर फ्लावर की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ज्योति, ठीक है, गोएथे के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो गोएथे के अकॉर्डिंग जो फ्लावर को हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड क्या है? शूट है, मॉडिफाइड शूट। अब एक ऑप्शन अगर आपको मिलता है जिसमें लिखा होगा मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, तो आप इसमें से किसको टिक करेंगे? तो शूट को टिक करेंगे। ये स्टेम गलत होता है। शूट और स्टेम में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो अमूमन बच्चों को नहीं पता। देखो, शूट का मतलब क्या होता है? शूट इज इक्वल टू होता है स्टेम प्लस लीव्स। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में डेफिनेटली मिलेगा फ्लावर के दोनों, यानी कि एक ऑप्शन ये मिल रहा है और एक ऑप्शन आपको ये मिल रहा है कि मॉडिफाइड शूट है या मॉडिफाइड स्टेम है, तो आप आंसर क्या करोगे? मॉडिफाइड शूट माना जाता है। फ्लावर जो है वो क्या है? मॉडिफाइड शूट है। किसका मतलब फ्लावर के लिए अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो शूट किसकी मिलकर बनी होती है? स्टेम और लीव्स दोनों को मिला दे तो हमारे पास क्या आता है? शूट आती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फ्लावर के बाकी के पोर्शन पे। अगर बाकी के पोर्शन में देखें तो हमें कुछ इस चीज इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। मान लो ये एक स्टेम रीजन है, ठीक है, और स्टेम रीजन से इस तरीके से एक पोर्शन निकलता है जहां से हमारे सामने इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने दिख रही है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जहां पे फ्लावर लगता है इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज अ पेडिकल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल। द
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. पेडिसल जो क्या है, एक स्टॉक है जिसके ऊपर फ्लावर क्या लगता है, प्रेजेंट होता है. अब जो ये पेडिसल है वो आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दो तरीके से देखने को मिलती है. कहीं पे तो ये जो पेडिसल जो रहती है उसके ऊपर जो आगे वो किस तरीके से जो फ्री एंड होता है पेडिकल का, वो जो फ्री एंड है वो फ्लैटेड हो जाता है और कभी कभी डॉम शेप भी हो सकता है. तो कभी कभी तो यूं मान लो इस तरीके से क्या हो गया, डॉम शेप हो गया, ठीक है. और कभी कभी ये जो पेडिसल रहता है वो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो, ये मान लो पेडिसल है और पेडिसल का जो ये पोर्शन है वो इस तरीके से भी हमारे सामने आता है, ऐसे फ्लैटेड के फॉर्म में भी हमारे सामने आता है, ठीक है. तो इस तरीके से हमें दोनों तरह से पेडिसल जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है. तो ये हमारे पास पोर्शन जो रहता है, यानी कि जो फ्री एंड रहता है, वो दो तरीके से हमारे सामने आया है. और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, या तो ये कैसे हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है या फिर डॉम शेप भी हो सकता है, ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, थैलेमस के नाम से जानते हैं, थैलेमस, ठीक है. तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, एक तो आ गया पेडिसल और दूसरा आ गया थैलेमस. तो पेडिसल के बारे में अगर बात करें तो पेडिसल जो है वो क्या होता है, ये जो रहता है एक छोटे से स्टॉक है जिसके ऊपर फ्लावर क्या रहता है, या इसको हम बोल सकते हैं ये एक फ्लावर स्टॉक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक फ्लावर स्टॉक है जो कहाँ से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है, सिंपल सी बात, ठीक है. लेकिन अगर थैलेमस की बात करें हम, थैलेमस के अंदर देखें तो थैलेमस में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी कि थैलेमस जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, शूट नहीं है. पहली चीज तो इसको क्लियर करो, ठीक है. ये क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है. अब जब स्टेम है तो आपको पता है स्टेम के ऊपर हमें नोड भी देखने को मिलते हैं, प्लस हमें इंटर नोड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे नोड जो रहते हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत ही क्लोजली होते हैं, और जबकि इंटर नोड जो होते हैं बहुत ही स्मॉल रहते हैं इनके अंदर. तो इंटर नोड जो होते हैं इनके अंदर क्या रहते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और हाईली रिड्यूस होते हैं, हाईली रिड्यूस, ठीक है, सॉरी हाईली रिड्यूस है, ठीक. तो अगर हम देखें तो, यानी कि अगर हम देखें तो नोड यहाँ पे क्या रहेगा, नोड के लिए बात करें तो नोड जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नोड्स जो होते हैं आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. क्यों, क्योंकि नोड जो है वो इंटर नोड जो होते हैं वो छोटे और हाईली रिड्यूस फॉर्म में है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो थैलेमस जो है वो नोड्स का ही एक रिड्यूस फॉर्म हमें देखने को मिलती है, ठीक है. अब ये तो था थैलेमस पोर्शन के बारे में. अब क्या है, जो ये फ्लावर के बाकी के जो रोल्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जिसमें कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम लेते हैं, ये रोल जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स होती हैं, ठीक है. तो अगर हम फ्लावर की बात करें, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे फ्लावर, तो जो फ्लावर रहता है ना बच्चों, उसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है. एक तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, थैलेमस रीजन, और एक हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, रोल्स, ठीक है. जो थैलेमस रीजन रहता है और रोल्स रहता है वो अलग अलग चीज है. थैलेमस तो क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, स्टेम की, ठीक. और जबकि रोल्स जो है वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं किसकी, लीव्स की, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज. तो इसीलिए फ्लावर को हम क्या मान के चलते हैं, फ्लावर को हम मानते हैं इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेम भी आ गया और लीव्स भी आ गई. क्लियर हो गया. तो अब हम देखते हैं कि
यहाँ पे जो रोल्स कितने प्रेजेंट होते हैं ये हमें पता है, 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ये 4 रोल्स जो हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, थैलेमस पे, और थैलेमस के ऊपर भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस, उस थैलेमस के ऊपर कितने नोड प्रेजेंट होते हैं, 4 नोड्स होते हैं, ठीक है। और इन 4 नोड्स पर आगे, यानी कि इनके ऊपर कितने नोड्स हैं, 4, 1, 2, 3 और 4, और इन्हीं चारों नोड्स के ऊपर हमारे 4 क्या प्रेजेंट होते हैं, रोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 4 के 4 रोल्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास आता है कैलिक्स, ठीक है, और जो कि हमारा सबसे फर्स्ट मॉडिफाइड लीफ हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मॉडिफाइड लीफ है, हम लिख सकते हैं इट इज अ फर्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट मॉडिफाइड लीफ पूछा गया था, ठीक है। तो लीव्स के अंदर फर्स्ट मॉडिफाइड पोर्शन कौन सा होगा, कैलिक्स होगा, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर मोस्ट इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर मोस्ट, यानी कि अगर हम ऐसे थैलेमस लेते हैं तो थैलेमस के ऊपर हमारे पास टोटल कितने नोड हैं, 4 नोड रहते हैं, ठीक है। अगर हम नोड दिखाएं इसके ऊपर, तो ये मान लो हमारा नोड फर्स्ट, ये नोड सेकंड रहता है, ठीक है, और यहाँ पे 3rd नोड है और ये 4th नोड है, ठीक है। तो ये 4 क्या है हमारे पास, 4 नोड्स हैं, ठीक है। तो सबसे लोअर मोस्ट, यानी कि ये लोअर मोस्ट है और ये अपर मोस्ट है, और ये कौन से रहते हैं, मिडल, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर मोस्ट अगर आपसे पूछा जाए नोड के ऊपर कौन सा लीफ मॉडिफिकेशन आता है, तो आंसर आएगा कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स के बाद, यानी कि कैलिक्स कौन से मोड पे आता है, सबसे लोअर मोस्ट मोड पे आता है, ठीक है। कैलिक्स के बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो नोड रहता है, वरूल रहता है, वो किसका रहता है, कोरोला का, ठीक है। सेकेंड किसका रहता है, वो है कोरोला, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड नोड पे, ये कहाँ था, लोअर मोस्ट नोड पे, ठीक है, और ये है सेकंड नोड पे, और फिर 3rd नोड पे प्रेजेंट होता है बच्चों गाइनोशियम, गाइनोशियम, और ये हमारा किस पे रहता है, 3rd, हम बोल सकते हैं 3rd नोड, क्लियर हो गया। और लास्ट में सबसे अपर मोस्ट पे जो रहता है वो रहता है हमारे पास, सॉरी ये एंड्रोशियम आएगा, बिल्कुल ये इसको थोड़ा सही करते हैं, दैट इज अ रॉन्ग हो गया बीच में ये, यानी कि जो 3rd रहता है वहां पे, यानी कि सेकंड नोड है, सेकंड नोड के बाद में 3rd रोड पे होता है एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो अपर मोस्ट पे आता है, ये है गाइनो एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम जो रहता है हमारा 3rd नोड पे है, और 4th नोड पे बात करें तब आएगा हमारे पास गाइनोशियम, ठीक है, और ये हमारा अपर मोस्ट नोड है, किसका, थैलेमस का, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं, और 4 रोल्स किसके ऊपर प्रेजेंट है, नोड्स के बीच में। अब इसी के बेसिस पे फ्लावर क्या होता है, चेंज हो जाता है, कैसे, क्योंकि इन नोड्स के बीच में अगर इंटर नोड अगर लंबा खिंच जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे कि अगर हम देखें फ्लावर, पहले नॉर्मली फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हमारे सामने किस तरीके से आता है, पहले हम उसको देखते हैं। तो वो फ्लावर जो है नॉर्मली हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अगर हम बनाते हैं, तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो हमारे सामने ये मान के चलो ये है हमारे पास इस तरीके से थैलेमस रीजन, ठीक है, और ये है इस तरीके से अगर हम बनाएं तो ये कौन सा रीजन हो गया हमारे पास जो हम पढ़ रहे थे, पेडिसल फॉर्म जो रहती है वो हो गई, ठीक है। तो हम अगर नॉर्मली फ्लावर को ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास फ्लावर आता है, ये जो रीजन है वो, यानी कि ये जो रीजन है वो कौन सा है, पेडिसल रीजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन हो गया, थैलेमस, जो कि फ्लैटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले इस तरीके से पहली नोड पे प्रेजेंट होता है ये
फर्स्ट रोल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने रहता है इस तरीके से, ये हमारा जो है सेकंड नोड, यानी कि यहाँ पे ये आ गया इस जगह पे, कौन सा, सेकंड नोड। और सेकंड नोड पे यहाँ पे हमारे सामने जो रहता है पोर्शन, वो कौन सा रहता है, कोरोला। ठीक है, दैट इज अ सेकंड नोड। अब फिर आता है हमारे पास थर्ड नोड। अगर थर्ड नोड पे जाएं तो ये इस जगह पे आ गया हमारा थर्ड नोड, और थर्ड नोड पे जाएं तो इस तरीके से यहाँ पे लगे रहते हैं बहुत सारे स्टैमंस। ठीक है, तो ये जो क्या है, स्टैमन, जिसको हम इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर या फिर यूनिट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो टर्म आती है और वो कौन सी आती है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, जिसको हम ग्रुप ऑफ स्टैमन कंसिडर करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टैमन। ठीक है, और फिर हमारे पास लास्ट नोड आता है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से नोड रहता है हमारे पास। ये वाला जो नोड है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाला नोड है लास्ट जो नोड रहता है, फोर्थ नोड जो हमारे सामने आता है वो इस तरीके से देखने में आता है। ठीक है, और ये हमारे सामने क्या प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस नोड को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, जिसको हम ग्रुप ऑफ कार्पल या पिस्टल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक एक्चुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम चारों रोल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमारे पास चार रोल कौन से हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये जो है फर्स्ट या फिर लोअर मोस्ट बोल सकते हो, लोअर मोस्ट नोड पे प्रेजेंट है, ये सेकेंड नोड पे, ठीक है, और ये थर्ड नोड पे प्रेजेंट है, और ये हमारा अपर मोस्ट या कि फोर नोड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहती है किसकी, एक फ्लावर की। क्लियर, लेकिन ये तो है जब चारों के चारों नोड जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट है। प्रॉब्लम ये आती है कि फ्लावर का जो टाइप रहता है ना, वो चेंज हो जाता है इन नोड के बीच में अगर डिस्टेंस आ जाए तब। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें दिखा रही हूँ। जो पहला रहता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोफोर्स फ्लावर, देखो हमारे पास इसके बेसिस पे फ्लावर कितने टाइप के हो गए, चार तरह के। एक होते हैं एंथ्रोफोर, एंथ्रोफोर जो फ्लावर होता है ना बच्चों, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह के फ्लावर में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, यानी कि जिसके अंदर लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ इंटरनोड इंक्रीज हो जाएगी, और वो किसके बीच में होगा, कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें डायग्राम से चीजें क्लियर होगी, सिंपलीफाई। तो डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हमारे पास फ्लावर का कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये हमारे पास थैलेमस रीजन है और ये पेडिसल रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैलिक्स की जो नोड है यहाँ पे इस तरीके से, वो यहाँ देखने को मिलेगी, और बाकी का जो फ्लावर रहेगा, ठीक है, ये मान लो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये सेपल पेटल्स आ गए, पेटल्स, और यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एंड्रोशियम, और ये आ गया हमारे पास गाइनोशियम स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से फ्लावर हमारे सामने प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंटरनोड का स्पेस जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया कैलिक्स और कोरोला के बीच में। और इस तरीके के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एंथोस्पोर। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे डायंथस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायंथस। ठीक है, जो डायंथस फ्लावर है, यानी कि प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, एंथोफोर फ्लावर होता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नीट लेवल के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ओनली फॉर नीट, यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये किसके लिए, ओनली फॉर
नीट एग्जाम के लिए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन में आ जाता है एंथोफोर फ्लावर्स कौन से होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे रहता है। एक और एग्जाम्पल है जो कि पूछा गया था, एक ही एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, साइलिन प्लांट जो रहते हैं वो, ठीक है। सेकंड फ्लावर की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप का जो फ्लावर हमारे सामने आता है वो होता है एंड्रोफोर, एंड्रो फोर फ्लावर, ठीक है, या उसके बेसिस पे प्लांट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे प्लांट के अंदर क्या होता है, ऐसे के अंदर जो लेंथ होती है बिटवीन कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में इंक्रीज होती है, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरनोड इंक्रीज बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, ठीक है, कोरोला और एंड्रोशियम। तो यहाँ पे जो डायग्राम हमारे सामने बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे तो लेंथ चेंज हो चुकी है, तो ये हम मान के चल रहे हैं हमारे पास फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गए सेपल्स यानी कि कैलिक्स रीजन, ठीक है, और ये हमारे पास रीजन आ गया किसका, सेकंड कोरोला का, ये क्या आ गया कोरोला, ठीक है। और फिर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करें, ये हमारे पास आ गए एंड्रोशियम, और इस तरीके से ये दिख रहा है हमारे पास गाइनोशियम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो अगर आप मैच करो तो क्या होगी, काफी बढ़ गई है किसकी के बीच में, कोरोला और बेसिकली हम बात करें तो एंड्रोशियम के बीच में, एंड्रोशियम, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम किस नाम से जानते हैं, एंड्रोफोर प्लांट। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक है और वो रहेगा पैसीफोम या पैसी फ्लोरा, सॉरी फ्लोरा प्लांट जो होते हैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल रहे हैं, जिनके फ्लावर क्या होते हैं, एंड्रोफोर्स रहते हैं। तो आपको फ्लावर भी डिफरेंस समझ में आ रहा होगा इजीली कि नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा रहता है फ्लावर, और यहाँ पे अगर फ्लावर्स देखो तो चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो रहता है वो फ्लावर रहता है वो होता है गाइनो, गाइनोफोर, ठीक है। गाइनोफोर्स के अंदर क्या होगा, अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे भी इंटरनोड की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, यानी कि अगर हम देखें इंटर नोड जो लेंथ है वो भी यहाँ इंक्रीज होगी, किसके बीच में, बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो फ्लावर हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा वो देखते हैं, तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये कैलिक्स हो गया, ठीक, और ये क्लोरेला हो गया यानी कि सेपल और पेटल की फॉर्म होगी, और यहाँ पे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारे स्टैमंस, ठीक है। और जो रहती है एंड्रोशियम वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगी बनके, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, गाइनोशियम, और ये जो है हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की अगर लेंथ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो चुकी है, यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कौन सा रहेगा बच्चों, एग्जाम्पल रहेगा कैपेरिस, कैपेरिस, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और लास्ट जो हमारे पास फ्लावर रहता है वो हम मान के चलते हैं गाइनो एंड्रोफोर। देखो
सेम फ्लावर पे ही प्रेजेंट होते हैं जब गायनो और एंड्रोफोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गायनो एंड्रोफ्लावर। देखो उसका जो रहता है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि एंड्रो जो गायनो एंड्रोफोर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एंड्रोफोर्स और गायनोफोर जो है वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। जो डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ, चलो, यानी कि फोर्थ जो है हमारे पास वो रहता है लास्ट में गायनो एंड्रोफोर। देखो इसके अंदर क्या रहता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब तीनों बता दिए तो हम फोर्थ भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड्रोफोर है और गायनोफोर, गायनोफोर जो है आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कैसे वो देखते हैं। देखो फ्लावर किस तरीके से हमारे सामने आएगा, वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने रहेगा। देखो ये तो है हमारे सेपल्स कैलिक्स और ये आ गया हमारे पास कोरोला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, स्टेमन्स, और ये इस तरीके से हमारे पास रहता है कार्पेल, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, इन एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है इंटरनोड के बीच में। तो ये जो कंडीशन रहती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में रहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोफोर, ठीक है। और अगर आप देखोगे कैलिक्स और कोरोला और प्लस एंड्रोशियम के बीच में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर, ठीक है। तो दोनों ही एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका जो एग्जांपल रहता है वो हम इसको दोनों नाम से जान सकते हैं, इसके दोनों नाम बोल सकते हैं, यानी कि इसके दो नाम है। आप इसको गायनो गायंड्रो फोर भी बोल सकते हो तो भी सही होगा, और दूसरा इसका जो दो नेम है, आप यहाँ पे दो नेम बोल सकते हो, और दूसरा आप इसको एंड्रो गायनो फोर भी बोल सकते हो, दोनों ही केस में यहाँ पे नाम सही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट फ्लावर के टाइप्स, ठीक है, जो आपकी नीट लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो ऑप्शन के अंदर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से हमें देखने को मिला, दोबारा से देख लेते हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन में फ्लावर के अंदर तो ये चारों के चारों नोड्स एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर एंड्रोस्पोर की बात करेंगे तो सेपल्स और पेटल के अंदर आप देखोगे तो इजीली डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। एंड्रोफोर के अंदर आपको कोरोला के अंदर और एंड्रोशियम के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। गाइनोफोर के अंदर आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में देखने को मिलेगा, और फोर्थ के अंदर हमें दोनों एक साथ मिलेंगे, यानी कि कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में और गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास चार अलग अलग तरीके के फ्लावर। तो इन सारी चीज़ों से ओवरऑल हमारे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है फ्लावर के बारे में। तो हम बोल सकते हैं फ्लावर क्या है, इट इज ए मॉडिफाइड, क्या है बच्चों, शूट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक। इससे एक चीज क्लियर होगी कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। अब फ्लावर फ्लावरिंग की बेसिस पे, यानी कि फ्लावरिंग जब होती है उसके बेसिस पे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े भी थे। कौन कौन से थे, यानी कि जिनकी लाइफ में एक ही बार फ्लावर आता है और कई बार फ्लावर आते हैं। तो एक तो होते हैं मोनो कार्पिक प्लांट्स होते हैं, और एक कौन से होते हैं, पॉली कार्पिक, ठीक है, प्लांट। अब यहाँ पे समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग,
ठीक है। तो अब मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो हमें पता है लाइफ में, यानी कि जब तक वो रहते हैं, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, फ्लावरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो तो भी सही होगा, और क्योंकि ऑप्शन के अंदर कुछ भी आपको मिल सकता है। और फ्रूटिंग की बात करें तो टेक्स प्लेस आप लिख दो ओनली वंस, ठीक है, इन दी होल लाइफ स्पैन, ठीक है, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी एनुअल और बाय एनुअल जो प्लांट्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं, मोनोकार्पिक में आते हैं। यानी कि एग्जांपल की बात करें तो एनुअल प्लांट और दूसरे बायनियल, ठीक है, सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे, ठीक। लेकिन पॉली इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन जरूर रहते हैं जो वन टाइम करते हैं, पेरिनियल थर्ड जो एग्जांपल है, कुछ मैंने पहले भी बताया था, कुछ पेरिनियल में अगर हम जाएं तो हमारे पास दो आपके थे एनसीईआरटी के अंदर, एक तो था बैम्बू और एक था नीला कुरेंजी जिसको स्ट्रो बिलियंथस कुथियाना नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन रहते हैं। और पॉलीकार्पिक का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैनी टाइम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है उनके पूरे के पूरे एंटायर लाइफ स्पैन के अंदर, ठीक है। और बेसिकली इसके एग्जांपल में कौन आते हैं, पेरिनियल प्लांट आते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास प्लांट भी क्या होते हैं, दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास फ्लावर, उसका मॉडिफिकेशन, उसके टाइप और प्लांट्स, ठीक है। तो अभी तक हमारा चैप्टर बच्चों स्टार्ट नहीं हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अब इस चैप्टर की समरी करते हैं, इस चैप्टर में हमें करना क्या है, सेक्सुअल इवेंट्स देखने हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। देखो अगर मैं आपको एक स्टोरी की तरह बात करें तो आप यूं समझो कि मान लीजिए ये प्लांट है, और प्लांट का आपको पता है दो तरह के उसके पार्ट्स होते हैं, एक कौन सा होता है वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमें पता होना चाहिए। वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो हमारे पास तीन पार्ट वेजिटेटिव होते हैं, कौन कौन से, रूट होता है, स्टेम होती है, और एक क्या होता है, लीफ। लेकिन रिप्रोडक्टिव की बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है हमारे पास कौन, फ्लावर, ठीक है। तो अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो हमारे लिए कौन जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ से तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इजिली, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो हमारे पास कौन सा पोर्शन रहता है, फ्लावरिंग का, ठीक है। तो फ्लावर क्या था, मॉडिफाइड शूट थी, स्टेम नहीं था, और जो थैलेमस होती है उसके ऊपर चार नोड प्रेजेंट होती है, और उन नोड्स के ऊपर चार रोल्स प्रेजेंट थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, क्लियर हो गया। तो ये तो था फ्लावर की सारी कहानी, ठीक है। उसके बेसिस पे प्लांट भी दो टाइप के हो गए, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फ्लावर की बात, फ्लावर हम लोग देख चुके हैं, तो फ्लावर के बच्चों दो पोर्शन होते हैं बेसिकली, फ्लावर के चार रोल्स थे अगर आपको पता हो, आपके पास कितने रोल्स थे, फोर रोल्स थे, ठीक है। तो इन फोर रोल्स को हम दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि दो चार रोल्स को हम ओवरऑल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो वो पार्ट होता है जो कि एसेसरी पार्ट होता है, ठीक है, और एक जो पार्ट होता है वो होता है एसेंशियल पार्ट, ठीक है, एसेंशियल, और एक होता है एसेसरी, ठीक है। एसेसरी पार्ट के अंदर हमारे पास दो रोल्स आएंगे, कौन कौन से, एक तो रहेगा कैलिक्स और एक कौन सा रहेगा, कोरोला, ठीक। और जो एसेंशियल पार्ट रहता है फ्लावर का वो हमारे पास दो पोर्शन रहेंगे, कौन कौन से, एक तो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
और एक रहेगा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मैं समरी बता रही हूँ इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा कैलिक्स पोर्शन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन सेपल बोला जाता है। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का। ठीक, दूसरा जो पोर्शन होता है उसको हम पेटल बोलते हैं। ठीक है, जिसको पंखुड़ियां यानी कि जो फ्लावर की रहती है वो पेटल। ठीक है, और पेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को। ठीक, अब हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। किस नाम से जानते हैं उनको, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और फीमेल पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम। क्लियर हो गया, ये हमारे क्या रहते हैं, फ्लावर के एसेंशियल पार्ट रहते हैं। ठीक है, जो एंड्रोशियम की अगर सिंगल यूनिट की बात करें, सिंगल यूनिट की बात करें तो हमारे पास सिंगल यूनिट आती है कौन सी, स्टेमन। और गाइनोशियम की हम सिंगल यूनिट की बात करें, अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो हमारे पास आप या तो पिस्टिल बोल सकते हो या फिर आप इसको कार्पेल भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी नाम आप लगा सकते हो। अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, ये तो दोनों एसेसरी पोर्शन थे इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें स्टैमन और पिस्टल से बहुत इम्पॉर्टेंट काम लेना है। देखो क्या करना है इस पूरे अंदर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इस तरीके से स्टैमन की स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जो रहती है ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है किसकी, कार्पेल की, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टैमन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इतना पोर्शन जो रहता है वो क्या है, एंथर। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, या फिलामेंट भी बोल सकते हो, फिलामेंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सैक प्रेजेंट है, और पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें कार्पेल की तो ये हमारे पास क्या रहती है, स्टिग्मा, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, स्टिग्मा, ये रहती है हमारे पास स्टाइल, और ये रहती है ओवरी, और ओवरी में प्रेजेंट होता है इस तरीके से ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, एग। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक, इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम देखेंगे कि पोलिन ग्रेन कैसे बने, ठीक है, फिर देखेंगे ओव्यूल में एग कैसे बना, ठीक, फिर देखेंगे कि पोलिन ग्रेन स्टिग्मा तक कैसे पहुंचे, और इस फिनोमिना को बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन होने के बाद में जो पोलिन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और फिर क्या बनती है, पोलिन ट्यूब बनती है, ये क्या बनी, पोलिन ट्यूब। ठीक है, और पोलिन ट्यूब के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फिनोमिना होती है उसको, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बना, और सीड फिर आगे डेवलप होके क्या बनाएगा, न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये कहानी हमारी इस तरीके से स्टार्ट हुई, जैसे कि सीड था कोई, ठीक है, सपोज देन ये है सीड। ठीक है, सीड ने आगे क्या किया, ग्रो किया, और ग्रो करके किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्लांट। और प्लांट के हमारे पास कितने पार्ट है, दो पार्ट, वेजिटेटिव और दूसरा कौन सा था, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव में तो रूट, स्टेम और लीफ बन गई,
ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बना, फ्लावर बना। फ्लावर के दो पार्ट थे, एसेसरी और दूसरा कौन सा था, एसेंशियल। ठीक है, एसेसरी के अंदर कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल के बारे में देखते हैं, और एसेंशियल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में देखते हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि स्टेमन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंथर कैसा होता है, पोलन सेक में पोलन ग्रेन कैसे बनता है, फिर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे जाएगा, फिर वो वहाँ पे पॉलन ट्यूब कैसे बनाएगा, पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल से होता होता एग के पास कैसे जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, और फिर देखेंगे हम न्यू प्लांट कैसे बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इस चैप्टर के अंदर क्लियर होने वाले हैं। समझ में आ गया आपको, यानी कि ये जो चैप्टर है ये एक समरी थी जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर। अब इसके अंदर पहला काम तो हमारा क्या है, पोलन ग्रेन्स और एग का फॉर्मेशन। दूसरा काम क्या है, उनका ट्रांसफर करना। तीसरा काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करना। और फोर्थ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन करना। ये तो है एक पूरी की पूरी स्टोरी की, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब क्वेश्चन आता है कि होता कैसे है, वो इस चैप्टर के अंदर हम पूरी की पूरी सीक्वेंस में क्लैरिफाई करेंगे कि भाई प्लांट जो है वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, पोलन ग्रेन कैसे बना रहा है, एग कैसे बना रहा है, पोलन ग्रेन एग तक पहुंचेगा कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनेगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा और सीड कैसे बनेगा। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आपको इस पूरी के पूरे फिल्म में इंटरेस्ट बनाए रखना होगा क्योंकि अभी हम बहुत इनिशियली लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं सेक्सुअल इवेंट की बात करें तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं सेक्सुअल इवेंट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हम पिछले चैप्टर में ये इवेंट्स पढ़ के आए थे, याद है आपको कौन कौन से इवेंट थे, फटाफट रिकॉल करो। देखो पहला जो इवेंट था वो हमारे पास कौन सा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला इवेंट को क्या बोल रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा जो इवेंट था वो हमारे पास क्या था, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा जो इवेंट था वो क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने इवेंट आ गए, तीन इवेंट आ गए। ठीक है, अब इन तीनों इवेंट के अंदर हम देखते हैं ये टोटल हमारे पास क्या है, तीन इवेंट। ठीक है, सेक्सुअल इवेंट। अब हम ये सारी की सारी स्टोरी जो थी मैंने बताई, पोलन ग्रेन एग का बनना, फिर जाना, फिर फर्टिलाइजेशन होना, फिर सीड का बनना, इन ये सारी स्टोरी हम तीन इवेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है, गैमेट फॉर्मेशन करना है पहली चीज। ठीक है, क्या क्या, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट तो भाई दो तरह के गैमेट्स होंगे, एक तो मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट को बनाना है, ठीक है, और फीमेल गैमेट को बनाना है, दोनों बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों मेल गैमेट को बनाना है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। और फीमेल गैमेट को बनाना है तो इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो कहाँ होगा ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का इवेंट होगा, किसके अंदर, बेसिकली तो मैं बड़ा लेती हूँ, वो रहता है स्टेमन। ठीक है, और स्टेमन में भी कहाँ पे, एंथर में। और एंथर में पूछा जाए एंथर में कहाँ पे, तो आंसर आएगा एंथर के अंदर पोलन सैक के अंदर होता है। ठीक है, पोलन सैक के अंदर कौन करेगा, तो आंसर आएगा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो आगे कौन सी डिवीजन करती है, मियोसिस करती है, जिससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये आगे डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, पोलन
ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो सीक्वेंस है ये हम डिटेल में करने वाले हैं, क्लियर। मेगास्पोर की बात करें तो ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्पेल, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो पिस्टल, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ होगा, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे होगा ओवरी में, ठीक है, ओवरी में भी कहाँ, तो ओवरी में आ जाएगा ओव्यूल, और ओव्यूल में पूछा जाए कहाँ, तो आंसर आ जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स कैसे होंगे ये हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर, क्लियर हो गए। तो ये सारे इवेंट अभी अगर आपको रिकॉल नहीं भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें साइट पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए मेगा स्पोरोजेनेसिस की फिनोमिना कहूंगी स्टेमन में, और सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कहूंगी स्टेमन में, और मेगा स्पोरोजेनेसिस की कहूंगी कार्पेल के अंदर, इतनी चीजें याद रखो। तो ये हमारा पहला इवेंट कंप्लीट हुआ है, वो क्या था, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख, दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, इन गैमेट का ट्रांसफर। तो भाई मेल और फीमेल गैमेट का जो ट्रांसफर होता है, गैमेट का हम क्या देखेंगे, ट्रांसफर, ठीक है। और गैमेट का ट्रांसफर किसके थ्रू करवाएंगे हम, पॉलिनेशन के थ्रू करवाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जाते हैं किसके पास, फीमेल के पास जाते हैं, यानी कि स्टिग्मा पे। तो पोलिनेशन के अंदर हम दो दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो कौन सा, सेल्फ पोलिनेशन, और एक पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये दो बड़े इवेंट हमारे आगे, गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया और उनका ट्रांसफर कर दिया। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट इवेंट, और वो क्या रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम एक तो करेंगे सिंगेमी, ठीक है, और प्लस दूसरा करेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम किसके दौरान पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के दौरान। और फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम पहले तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, जायगोट, और दूसरे पे देखेंगे जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो हम दोनों तरह से देखेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनेगा और मोनोकोट एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ठीक है। और फिर इससे आगे हमारे पास जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, सेक्सुअल इवेंट्स है, जो कि हम पूरा डिटेल के अंदर करने वाले हैं। समझ में आ गया, ये कंप्लीट चैप्टर है। प्लस इस चैप्टर में एक ऐसा मेथड भी पढ़ेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट फॉलो करते हैं, जो कि है तो फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट होते हुए भी वो एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। वो हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, और उसको एपोमिक्सी के नाम से जाना जाता है। क्या है, कैसे है, वो देखेंगे, क्योंकि देखो फ्लावरिंग प्लांट है दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है बच्चों जहाँ पे फ्लावर होते हुए भी, मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हुए भी, गैमेट्स होते हुए भी, प्लांट फर्टिलाइजेशन ना करके, यानी कि ट्रू रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ना करके, वो एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। एंड दिस फिनोमिना नॉन एज एपोमिक्सी, जो कि आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में दी हुई है, तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्या है, हमें पोलन ग्रेन बनाने हैं, हमें एग बनाना है, उन दोनों को आपस में मिलाना है, देन फर्टिलाइजेशन करवाना है, उसके बाद में हमें जायगोट एम्ब्रियो और सीड बनाना है। ये हमारा इस चैप्टर के अंदर मेन टास्क है, ठीक है। तो अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा अपने आप को। सपोज देन ये हम लोग हैं, ठीक है, और हम लोगों को किसके अंदर एंटर करना पड़ेगा, हमारी एंट्री होने वाली है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर एंट्री होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम किसके अंदर जाने वाले हैं, फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर का अगर हम डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इस फ्लावर के अंदर, या आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें फ्लावर के अंदर जाना है, तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट जो है हमारी इजीली विजुअल हो रहे हैं, देखो ये जो सेगमेंट रहता है हमारा,
यहाँ पे ये तो रीजन रहेगा पेडिकल रीजन, ठीक है ठीक है। पेडिकल रीजन के बाद हम लोग आते हैं, तो ये इतना पोर्शन जो मैं बना रही हूँ, ये वाला पोर्शन कौन सा रीजन हो गया हमारा, थैलेमस रीजन। ये वाला रीजन कौन सा हो गया, थैलेमस रीजन हो गया। और उसके बाद हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर आ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्या बोला गया है इनको, सेपल, ठीक है। अब सेपल का काम तो हमें पता ही था, क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम करता है सेपल तो बेचारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन, इसमें हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बहुत सुंदर सा ये वाला पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है ये है पेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल। बड़े ही सुंदर होते हैं, देखो सेपल्स जो रहते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन जो पेटल होते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं। रीजन क्या है कि उनको इंसेक्ट्स को क्या करना होता है, अट्रैक्ट करवाना होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो हमें ये भी, हमने सेपल क्रॉस कर दिया और हम पेटल को भी क्रॉस कर दिए। अब हमारे पास आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और वो देखने को मिल रही है कुछ ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, मैं जो ग्रीन ग्रीन बना भी रही हूँ, दैट इज अ मेन स्ट्रक्चर जो हमें एनालाइज करनी है। फर्स्ट इवेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फिनोमिना यहीं पर होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर रहती है इसको हम बोलते हैं स्टैमन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टैमन, ठीक है। तो हम स्टैमन के अंदर घुसने वाले हैं, और बाकी हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर बचती है वो तो ये वाली स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये है हमारी कार्पेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल, या बोल सकते हो कार्पेल, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, और ओवरी भी प्रेजेंट है, और ओवरी में क्या है, ओव्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर है, जबकि स्टैमन के अंदर हमारे पास एंथर रहता है और फिलामेंटस रहता है, ठीक है। तो हम लोग अब फ्लावर के अंदर एंट्री करने वाले हैं, जूम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चीज़ें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ फ्लावर। और ये जो रोल है वो कौन सा रहता है बच्चों, वो रोल जो है इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, इस रोल को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो या फिर आप एंड्रोशियम के लिए एक और वर्ड भी आता है, एंड्रोशियम को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, ठीक है, ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब क्या है, अब एंड्रोशियम की एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसकी एक सिंगल यूनिट मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसकी सिंगल यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं, इसकी सिंगल यूनिट रहती है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्टैमन। बस यही तो हमारी मेन चीज है, स्टैमन, ठीक है। तो पहले हम इस स्टैमन की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्टैमन हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, देखो स्टैमन जो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, स्टैमन को आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, माइक्रोस्पोरोफिल। जिम्नोस्पर्म में हम वो लीफ को बोलते हैं जो कि एज ए स्टैमन की तरह काम करती है, या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो स्टैमन जो है वो एज ए माइक्रोस्पोरोफिल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक टिपिकल
स्टैमेन की स्ट्रक्चर की बात करें या माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें टिपिकल स्टैमेन की, तो वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। कौन कौन से पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है? तो दो पार्ट हमें यहाँ स्टैमेन के देखने को मिलते हैं। जो पहला पोर्शन स्टैमेन का होता है वो एक लॉन्ग और थिन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है एंथर, ठीक है, जो कि फ्री एंड पे प्रेजेंट होता है। तो जो फिलामेंट है वो क्या है, एक लॉन्ग पार्ट है, ठीक है, और कैसा है, थिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि एंथर की बात करें तो एक पेरोक्सिमल पे प्रेजेंट होता है एंथर, ठीक है। और अगर हम देखें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका एंथर की बात करें तो एंथर जो है वो एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और हम देखें इसके अंदर तो आप बोल सकते हो डिजिटल एंड जो होता है वो स्वेलन होता है किसका, फिलामेंट का, और जो कि माइक्रोस्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एंथर कहलाता है। तो आप लिख सकते हो एट द डिजिटल एंड ऑफ फिलामेंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कैसी स्ट्रक्चर है, ए स्वेलन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट क्या रखती है, माइक्रो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए या अटैचमेंट करवाने के लिए स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनके पास वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कंटेन वास्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो ये एक अदर मेन पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू भी, किसका, स्टैमन का। तो मैंने सारी चीजें बता दी। तो फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होती है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के दो एंड होते हैं, एक एंड तो किससे जुड़ा होता है, वो यानी कि इसके, मान लो यूं समझ लीजिए जो फिलामेंट है ना इसके दो एंड होते हैं, कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं, ठीक है। एक तो एंड होता है पेरोक्सिमल एंड होता है, और एक कौन सा होता है, डिजिटल एंड होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो तो किससे अटैच होता है, अगर प्रॉक्सिमल की बात करें तो ये जॉइन करता है किसके साथ, थैलेमस और पैटल के साथ, यानी कि स्टैमन को किसके साथ जॉइन करवाता है, थैलेमस और पैटल्स, ये करवाता है, जॉइंस द स्टैमन टू द थैलेमस और पेटल्स, क्लियर हो गया। और जबकि डिजिटल एंड होता है ना बच्चों, ये वो वाला ही है डिजिटल एंड, तो डिजिटल जो एंड होता है वहां पे क्या होता है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनाती है जो कि माइक्रोस्पोर बियरिंग होती है, और डिजिटल एंड पे, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं किसकी प्रेजेंस होती है, डिजिटल एंड पे प्रेजेंस होती है ऑफ एंथर की, राइट। तो हम इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे सामने कैसे देखने में आता है, अगर हम स्टैमन, एक टिपिकल स्टैमन का डायग्राम देखें, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर वो जो टिपिकल एंथर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो सेगमेंट है ये इतना सेगमेंट क्या बता रहा है, एंथर, इस सेगमेंट को हमने क्या बोला, एंथर, ठीक है। और ये इसका वो जो डिजिटल एंड है, यानी कि पेरोक्सिमल एंड है, ये कौन सा है, पेरोक्सिमल एंड, हाँ बोल सकते हो इसको पेरोक्सिमल एंड, यानी कि दो एंड रहते हैं, ये है पेरोक्सिमल एंड, ठीक है, फिलामेंटस का। और ये इतनी जो स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, ये है फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर के हमारे पास सारे स्ट्रक्चर आ गए, यानी कि एंथर भी आ गया स्टैमन का और फिलामेंट आ गया, यानी कि हम टिपिकल स्ट्रक्चर किसकी देख रहे हैं, स्टैमन की देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के पास जोड़ने के लिए स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं,
कनेक्टिव टिश्यू, क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये तो थी हमारी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी, हमारे सामने आती है टिपिकल स्टेमन की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेक्शन कट करके देखते हैं एंथर का, यानी कि अगर हम सेक्शन कट करें किसका, एंथर का। ठीक है, तो एंथर को जब हम कट करते हैं तो यानी कि इतना सेक्शन अगर हम कट करते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। एंथर के अंदर हमें पोलन सैक देखने को मिलते हैं, पोलन सैक में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे लाइंस ऑफ डहिसेंस होती हैं। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसे अरेंज्ड होती है, कैसे बनी होती है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमें किसका सेक्शन कट करना है, एंथर का सेक्शन करना है। सो ओवरऑल हम लोग किसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, फ्लावर के अंदर, सेपल देख लिया, पेटल देख लिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली किसकी, एंथर की। एंथर को हमने बाहर से देख लिया, तो बाहर से देखने पे हमें स्टेमन को हमने क्या कहाँ से देखा है, बाहर से। स्टेमन को बाहर से देखा तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आती है, एक तो आती है फिलामेंट और प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एंथर प्रेजेंट होता है और बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं। तो तीन चीजें हमारे पास क्लियर होगी, ये तो क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि एंथर को जोड़ता है किसे, फिलामेंट से, और ये हो गया हमारे पास एंथर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे हमारे पास वो क्या है, फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमने एक पूरी की पूरा किसका डायग्राम देखा है, स्टेमन का डायग्राम देखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब एनसीईआरटी का जो ये वाला डायग्राम है इसको हमें समझना है, वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क रहेगी क्योंकि किस तरीके से इस डायग्राम को हम समझेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ओवरऑल हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा चुके हैं, यानी कि हमारी एंट्री की बात करें तो हम लोग कहाँ गए थे, फ्लावर में, और फ्लावर के बाद हम किसकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, स्टेमन में, यहां तक हमारी एंट्री हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट किसके अंदर एंटर करने जा रहे हैं, एंथर के अंदर। तो एंथर हमें अंदर से कैसा दिखेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो एक इमेजिनेशन चल रहा है कि हम लोग पहले फ्लावर में, फ्लावर से कहां गए, स्टेमन में, और स्टेमन से अब नेक्स्ट क्लास में किस में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे एंथर के अंदर। तो एंथर को देखेंगे ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ और देखेंगे कि एंथर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एंथर की वॉल कैसी है, एंथर के अंदर पोलन सैक कहाँ होता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन जो आपको बताया जाएगा वो नीट और बोर्ड दोनों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, दैट इज हाउ टू एक्सप्लेन या एक्सप्लेन द फिनोमिना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये फिनोमिना भयंकर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, मतलब माइक्रोस्पोरो और मेगास्पोरोजेनेसिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बोर्ड में हर बार। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय।